कहा था ना, चक्रम के चक्रव्यूह से निकलना नामुमकिन। शिवा बचाओ, ये लोग हम सबसे जबरदस्ती मूर्तियां बनवा रहे हैं। ये कहते हैं अब हम जिंदगी भर अपने घर वापस नहीं जा सकते। चक्रम के चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। हे अंकल, इन सबको छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। ए बच्चे, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। बच्चा नहीं कहना अंकल, शिवा, शिवा नाम है मेरा। ये बच्चा तो बड़ी तेज चीज है, पकड़ो इसे। देखा चक्रम, जब मेरा छोटा सा बच्चा तुम्हारा ये हाल कर सकता है तो सोचो, सोचो मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अब जल्दी बताओ ये सब क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर लोगों से बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियाँ बनवाता हूँ, फिर उनके अंदर मंदिरों से चोरी किए हुए हजारों साल पुरानी मूर्तियों को छुपाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचता हूँ और करोड़ों कमाता हूँ, करोड़ों। चलो अब तुम सब भी काम पे लग जाओ। लड्डू सिंह के इलाके में 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई वेदास सिटी की धरोहर को छू भी नहीं सकता, समझे? तो स्मगल करना तो दूर की बात है। यू आर अंडर अरेस्ट, अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, चलो। सॉरी लड्डू सिंह जी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं डर गया, मैं बहुत डर गया। जाओ जाओ, जिनको इनके साथ जाना है जाओ, चले जाओ, लेकिन रास्ता खुद ढूंढना होगा। तुम सब आजाद हो, जाओ जाओ। शिवा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ इन लोगों को ही पता है, हम खुद बाहर नहीं जा सकते, घना जंगल है, उसमें खतरनाक जानवर है। अगर ये बाहर जा सकते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा, मैं ढूंढ के ही रहूंगा। कोई मना नहीं करा, तुम जाओ, चाहो रास्ता ढूंढने जा सकते हो, फिलहाल सबकी मदद करो और चलो 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 चलो, सब लोग काम पे लग जाओ। मेरे हिसाब से लड्डू सिंह जी इन लोगों में सबसे इंटेलिजेंट लगते हैं, आपके लिए मैंने खास इंतजाम किया है। लड्डू सिंह जी को जमीन में गाड़ दो। अरे ये क्या कर दिया। शिवा, शिवा प्लीज इनको बताओ कि इंटेलिजेंट तो तुम हो, मैं नहीं। लड्डू सिंह जी डरिए मत, मैं आपको छुड़ा लूंगा, हिम्मत रखिए। चलो, अभी सब गांव सो रहे हैं, यहाँ से भाग चलते हैं।